कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया है। अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन और उससे पहले श्रीनगर में जो आतंकी पकड़ा गया, इस आतंकी का नाम है यासिर इट्टू। श्रीनगर में पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के आतंकी से 4 परफ्यूम आईडी बरामद हुई है। परफ्यूम आईडी यानी इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, इस तरह की आईडी का यह दूसरा वाकया है 6 महीने के अंदर। जनवरी 2023 में भी इसी तरह से एक आतंकी से परफ्यूम आईडी बरामद की गई थी और अब इस तरह का शक जताया जा रहा है कि यह अमरनाथ यात्रा पर गए हुए जो श्रद्धालु हैं उन पर अटैक करने के लिए इस तरह की आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि लश्करे तैयबा का जो आतंकी इट्टू पकड़ा गया है श्रीनगर से, उसे ये पूछा जा रहा है कि उसका हैंडलर कौन है, उसने ट्रेनिंग कहां पर ली थी, परफ्यूम आईडी बनाने के लिए लोकल सपोर्ट उसने कहां से लिया है। लेकिन इतना जरूर है कि अमरनाथ यात्रा जो शुरू हुई है बालटाल के रास्ते भी, चंदनबाड़ी के रास्ते भी, इसे लेकर के सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। इससे पहले भी अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साय को लेकर हम खबरें कई दिखा चुके हैं, लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। अभी फिलहाल के लिए यासिर इट्टू से पूछताछ की जा रही है और जम्मू कश्मीर में 3 दशक से जारी आतंकी हिंसा के दौर में दूसरी बार ये परफ्यूम आईडी पकड़ी गई है, जबकि कश्मीर में इसके मिलने का यह पहला वाकया है। यानी इससे पहले 2023 को जम्मू में, फरवरी 2023 को जम्मू में परफ्यूम आईडी की बरामदगी की गई थी। लेकिन अमरनाथ यात्रा के साथ साथ एक चीज और भी आप देखें कि हाल के दिनों में, हाल के सालों में, पिछले लगभग 4 साल में जो जम्मू कश्मीर में, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया जिसके तहत आतंकियों का खात्मा किया गया, इसके मुकाबले रिटेलिएट करने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लश्कर जैसे आतंकी, जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन या फिर TRF जैसे जो लश्कर और जैश के ऑफशूट कहे जाते हैं, वो फिर से अपनी मजबूती बताना चाहते हैं, कभी विस्फोट करके, कभी कैजुअल्टीज को अंजाम दे करके, कभी टारगेट किलिंग करके। लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और यह समझना बेहद जरूरी है कि अगस्त 2019 के बाद यानी 370 के खात्मे के बाद अब मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर का युवा जुड़ना चाहता है, ना कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहना चाहता है, ना कि पत्थरबाजी या स्टोन पेल्टिंग में रहना चाहता है। नमस्ते।